मानव शिशुओं की तरह एक जानवर जितना छोटा होता है उतना ही कोमल और प्यारा होता है। प्रकृति इतनी जादुई और अविश्वसनीय है कि इसने कुछ जीवों को उनके पूरे जीवन के लिए ऐसा ही बना दिया है। इन जानवरों में से अधिकांश अद्वितीय और बहुत नाजुक हैं। दूरदराज के इलाकों में रह रहे हैं, जहाँ तक संभव हो किसी भी मानव विकास से जो उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है। यही मुख्य कारण है कि हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। साथ ही तथ्य यह है कि कुछ इतने छोटे हैं कि वे केवल 2 सेंटीमीटर मापते हैं और पूरी तरह से किसी का ध्यान नहीं जाता है। कुछ प्रजातियां सामान्य या बड़े जानवरों का सिकुड़ा हुआ संस्करण है, अन्य केवल छोटे जानवर हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि दुनिया के 10 सबसे छोटे जानवर कौन से हैं, तो इस वीडियो को देखते रहें। ये नंबर किसी रैंकिंग का नहीं दर्शाते हैं। हम हर प्रजाति के सबसे छोटे जानवर के बारे में जानेंगे। नंबर 10, एक छोटा मेंढक भी है। इबेरिया पर्वत का मेंढक उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा मेंढक है। उनके पास वास्तव में छोटी उंगलियां हैं और अन्य मेंढकों से अलग हैं, क्योंकि उनके शरीर का एक अलग पैटर्न है। यह 2 लाल या पीली रेखाओं की विशेषता है जो थूथन की नोक से शुरू होती है, जो पूरे शरीर के पीछे चलती है और एक सुनहरे रंग और फिर सफेद रंग में परिवर्तित होती है। नर 10 मिलीमीटर तक माप सकते हैं और मादाएं थोड़ी बड़ी 10.5 मिलीमीटर। उन्हें बारिश पसंद है और इसलिए उन्हें केवल पूर्वी क्यूबा के मुआतोआ बारबाकोआ पहाड़ों में देखा गया है। नंबर 9, सबसे छोटा कछुआ। दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में से एक चित्तीदार कछुआ या होमोपस सिग्नाटुसी है, क्योंकि वे 10 सेंटीमीटर तक माप सकते हैं और केवल 140 ग्राम वजन कर सकते हैं। इनका सिर एक औसत अंगूठे के ऊपर के आकार का होता है। वे अफ्रीकी हैं और उनका घर दक्षिणी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में है। कछुए की यह प्रजाति अपने जीनस होमोपस के अन्य सभी लोगों के बीच अलग और विशेष है, क्योंकि उनके सामने के पैरों पर 5 उंगलियां हैं, जबकि अन्य कछुओं में 4 हैं। नंबर 8, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी भी हमिंग बर्ड दुनिया में सबसे छोटी पक्षी होने के बावजूद अपनी चपलता बरकरार रखती है, क्योंकि वे प्रति सेकंड 80 से अधिक बार अपने पंखों को लहराने में सक्षम है। अपने जीवंत रंगों और छोटे आकार के कारण उन्हें जानवरों की दुनिया के गहनों में से एक माना जाता है। वे क्यूबा और आइल ऑफ यूथ में रहते हैं और उन्हें उनकी जादुई सुंदरता और मनोरम व्यक्तित्व के लिए एल्फ ऑफ द बीज के रूप में भी जाना जाता है। ये हमिंगबर्ड चोंच से पूंछ तक लगभग 5 सेंटीमीटर मापते हैं और 2 ग्राम से अधिक वजन नहीं करते हैं। नंबर 7, दुनिया का सबसे छोटा सांप। जो लोग सांपों के भय से जूझते हैं, वे लिप्टोटिफ्लॉप्स कार्ले से पूरी तरह शांत रह सकते हैं। वास्तव में वे निश्चित रूप से उन्हें दुनिया के सबसे छोटे जानवरों में से एक होने के लिए प्यार कर सकते थे। यह नन्हा सांप 10 सेंटीमीटर से अधिक लंबा नहीं है और स्पेगेटी जितना पतला है। यह सांपों की 3000 प्रजातियों के एक बड़े परिवार की सबसे छोटी बहन है। वे बारबाडोस के जंगलों में जीवन जीते हैं और बिल्कुल भी जहरीले नहीं होते हैं। नंबर 6, दुनिया की सबसे छोटी मछली कार्पा पेडोसाइप्रस मछली की एक प्रजाति है, जो सुमात्रा द्वीप के दलदल में पाई जाती है और इसे दुनिया की सबसे छोटी कशेरुकी माना जाता है। ये मिनी मछली वयस्कता में 8 सेंटीमीटर तक बढ़ सकती है और इनमें एक शारीरिक विशेषता होती है, उनकी खोपड़ी मस्तिष्क को उजागर करती है। इंडोनेशिया में उनके आवास के नष्ट होने के कारण अब वे विलुप्त होने के खतरे में हैं। वे मुख्य रूप से प्लवक पर भोजन करते हैं और बहुत ही शांत और एकांत जीवन जीते हैं। नंबर 5, सबसे छोटा चमगादड़ बम्बलबी चमगादड़ थाईलैंड और दक्षिण पूर्वी बर्मा की गुफाओं में रहता है। इसका वजन 2 ग्राम और माप 3 सेंटीमीटर है। हालांकि इसके पंख 15 सेंटीमीटर तक फैले हुए हैं, इस चमगादड़ के कान अपने आकार के हिसाब से काफी बड़े होते हैं। ये दुनिया के सबसे छोटे स्तनधारियों में से एक है। कई विशेषज्ञ आश्चर्य करते हैं कि जब वे इतने छोटे हैं तो वे कैसे उड़ सकते हैं। यह निर्धारित किया गया है कि उनके पिछले पैरों के बीच कुछ अतिरिक्त पट्टियां हैं, जो एक प्रकार की बेल्ट के रूप में काम करती हैं, जो उन्हें उड़ान के दौरान अपने आंदोलनों पर नियंत्रण बनाए रखने में मदद करती हैं। नंबर 4, सबसे छोटा गिरगिट। गिरगिट बहुत दिलचस्प जानवर है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प अगर वे 4 सेंटीमीटर से कम लंबे हैं। ब्रुकेशिया गिरगिट को सबसे छोटा गिरगिट माना जाता है और दुनिया के सबसे नन्हे सरीसृपों में से एक माना जाता है। वे मेडागास्कर द्वीप में निवास करते हैं और सामान्य आकार के गिरगिट के समान लेकिन एक छोटे संस्करण में समान विशेषताएं रखते हैं। वे दिन के दौरान सक्रिय जानवर हैं और रात में वे आराम करने के लिए पेड़ों की चोटी पर चढ़ना पसंद करते हैं। उनके लिए एक अच्छी ऊंचाई का मतलब मिट्टी से 15 सेंटीमीटर ऊपर है। नंबर 3, सबसे छोटा बंदर। दुनिया के 10 सबसे छोटे जानवरों की हमारी सूची को जारी रखने के लिए पिग्मी मार्मोसेट दुनिया का सबसे छोटा बंदर है।
हम जीव को उनके जैसा मीठा खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। ये छोटे बंदर उष्णकटिबंधीय भूमि से आते हैं और ब्राजील, इक्वाडोर, कोलंबिया और पेरू के जंगलों में रहते हैं। वे बहुत घबराए हुए प्राणी हैं। नींबू से थोड़े बड़े होते हैं और लंबाई में 35 सेंटीमीटर तक पहुंच जाते हैं और वयस्कता तक पहुंचने पर उनका वजन 100 ग्राम होता है। पिग्मी मार्मोसेट में एक ही समय में एक निविदा लेकिन गूढ़ रूप होता है। नंबर 2, दुनिया का सबसे छोटा रहनुमा। यह आधिकारिक है। मेडागास्कर माउस लेमुर दुनिया का सबसे छोटा प्राइमेट है। उन्हें फिल्म प्लेनेट ऑफ द एप्स के एक गोरिल्ला के बगल में रखने की कल्पना करें। इस मिनी प्राइमेट को 5 इंच तक मापा जा सकता है। यह आश्चर्यजनक है कि प्रकृति जानवरों को इतने करीब कैसे बना सकती है, लेकिन साथ ही साथ इतना अलग भी। ये लीमर निशाचर है और इस हरे भरे द्वीप के पेड़ों में छिपे रहते हैं। वास्तव में इतना छिपा हुआ कि अब तक इस प्राइमेट की केवल 8 प्रजातियों की खोज की गई है। नंबर 1, दुनिया का सबसे छोटा सी हॉर्स। इसे हिप्पोकैम्पस डेनिस के रूप में जाना जाता है, जिसकी लंबाई 16 मिलीमीटर तक होती है और यह प्रशांत महासागर में 100 मीटर से अधिक गहराई तक रहता है। तो आप इसके आकार का अंदाजा लगा सकते हैं। किसी इंसान के नाखून जितने छोटे जानवर की कल्पना करें, यह प्रभावशाली है ना? इन मिनी पोनीज की एक लंबी गर्दन और एक बहुत छोटी नाक होती है, जो सफेद पैदा होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे बढ़ते अपनी नारंगी त्वचा को ढकते हैं, जो मूंगे के बीच खुद को छलावरण करने में मदद करता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।